Hello everyone, my name is Shubham Anand. Welcome to my YouTube channel. Hope you all are good and healthy. Today I talk about new upcoming Hyundai Elantra 2021. Hyundai Elantra 2021 would be launching in India around September 2021 with the estimate. 2021 Hyundai Elantra kis tarah ki car hai? Iski tulna kisse ki jati hai? 2021 Hyundai Elantra ek compact sedan hai jo lagbhag har tarah se lambi ho jati hai. Yah nivartaman sedan ki tulna mein ek lambi chhaya dalti hai. Yah indhan ke tank par lambe samay tak yatra karti hai. Isme lambi infotainment screen hoti hai aur lambi suchi ke sath aati hai. विकल्प यह होंडा सिविक, मज़दा 3 और टोयोटा कोरोला जैसे वाहनों के लिए एक प्रतिद्वंद भी है। क्या 2021 हुंडई एलांट्रा एक अच्छी कार है? 2021 हुंडई एलांट्रा के साथ नया क्या है? बस इसके बारे में सब कुछ, इसकी कनेक्टिविटी से इसके पावरट्रेन से इसके आकार तक। यह आकृति सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करती है। यह स्टैम्प इन शैली के टेललाइट्स द्वारा छाया हुआ, इसकी गहरी हीरे की पैटर्न वाली जंगला और जटिल कमर के साथ ओरिगामी की तरह मुड़ा हुआ है। साहसिक अंदर बंद हो जाता है, जहां धातु ट्रिम के साथ एक सादे पानी का छींटा अपस्केल दिखने के लिए बहुत सस्ती प्लास्टिक पहनता है। एलांट्रा परिवार की तिकड़ी मानक सेडान में 147 हॉर्स पावर इनलाइन माइनस 4 और एक निरंतर चर संचरण CVT है जो कि इत्मीनान से शक्ति प्रदान करता है। बैटरी सक्षम हाइब्रिड मॉडल से कम उत्तेजना होती है, लेकिन यह लाइन से अधिक जागृत महसूस करता है और प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 54 MPG तक संयुक्त रूप से बचाता है। एलांट्रा एन लाइन के लिए गोल्ड क्लैप सहेज है। इसके पोटेंशियल 201 HP टर्बो माइनस 4 और इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन में सबसे बेहतर डील है, जो ब्रिस एक्सेलरेशन को आत्मविश्वास से पकड़ती है। एलांट्रा के पूर्व संस्करण पर थोड़ा बढ़ गया है और लेग रूम सुधी लंबे यात्रियों के लिए रूम कम से कम है और इस एलांट्रा के इंटीरियर को छांट दिया गया है। कम आरामदायक सीटों और पिछले संस्करणों की तुलना में अधिक कठिन प्लास्टिक के साथ सभी एलांट्रास में स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग है, लेकिन क्रैश टेस्ट डेटा अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। 2021 हुंडई एलांट्रा की लागत कितनी है? अनुशंसित $20,645 एलांट्रा एसी पावर फीचर्स और वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 8.0 इंच टच स्क्रीन के साथ चीजों को शुरू करता है। एक मिड ग्रेड SEL कुछ उपयोगिताओं को जोड़ता है, जबकि $26,445 एलांट्रा लिमिटेड को चमड़े की असबाब, 10.3 इंच की टच स्क्रीन और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग मिलती है। SEL और लिमिटेड ट्रिम में हाइब्रिड की कीमत लगभग $2,500 अधिक है, जबकि स्पोर्टी एलांट्रा एन लाइन $25,095 से शुरू होती है। 2021 हुंडई एलांट्रा कहां बनाया गया है? मोंटगोमरी, अलबामा में। क्या हुंडई एलांट्रा एक अच्छी दिखने वाली कार है? हमें लगता है कि यह बाहर से ज्यादा अंदर से है। हुंडई हाल के एलांट्रास के साथ पोल से पोल तक झूल गई है। दो कार पहले उत्तेजित लाइनों और अतिरंजित घटता के साथ चमकाना, अंतिम पीढ़ी जब यह खत्म हो जाए तो हमें जगाओ। नवीनतम एलांट्रा भारी शरीर के पैनल और एक जेट लड़ाकू रुख के साथ बढ़ता है, लेकिन कॉकपिट थोड़ा नंगे है। हम इसे साथ देते हैं, इसके बाहरी को अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। हम अभी भी एलांट्रा की चमकदार नई आकृति से परिचित हैं। ग्रे, सिल्वर या अन्य मिडलिंग टोन में, इसमें कर्व्स को उकेरने से पहले स्टाइलिंग हिरन का चैम्फर्ड और नक्काशीदार लुक दिया जाता है। हुंडई ने इसे नीचे ट्रिम कर दिया और इसे लंबा कर दिया, जो इसकी मुश्किल से निर्माण शीट धातु के नाटकीय प्रभाव को बढ़ाता है। हीरे के आकार शरीर के चारों ओर बिखरे हुए हैं। पीछे के दरवाजों को जंगला, इसके किनारों पर ऐसा लगता है कि इसे दो सामने के छोरों के बीच उत्कृष्ट ओरिगामी कौशल के साथ पिन किया गया है। फास्टबैक रूफ लाइन को स्टिक पिन टेल लाइट्स और पर्याप्त कट लाइन और किनारों द्वारा कैप किया गया है, ताकि लेट मॉडल सिविक को एक संभोग सिग्नल भेजा जा सके। अंदर यह एक आह है, लेकिन राहत की नहीं। स्टीयरिंग व्हील इसके पीछे के आकार पर अंतर करता है। एक लिफ्ट पट्टी हवा के झरोखों को छुपाती है और सुस्त और नीरस के बीच डैश को विभाजित करती है। विस्तृत केंद्र स्टैक और कंसोल को चालक की ओर लगाया जाता है। यात्री को एक लंबे कंसोल ग्रैब हैंडल से दीवार को बंद कर दिया जाता है, जो ग्लोस ब्लैक प्लास्टिक में लेपित होता है, जो अलग थलग होने पर उंगलियों के निशान लेता है। यह एक सिंहासन नहीं है, यह एक गवाह है। नवीनतम एलांट्रा एक 4 सिलेंडर फ्रंट ड्राइव नुस्खा लेता है और इसे मौलिक रूप से अलग अलग स्वादों के अनुरूप बनाता है। कोर में माइल्ड एलांट्रा हाइब्रिड का हाइपोमाइला वास्तव में भी कोशिश कर रहा है, जबकि एलांट्रा एन हमारे पसंदीदा स्पोर्टी कॉम्पैक्ट सेडान में से कुछ पर चेतावनी शॉट से निकाल देता है। यह अन्यथा है। हम एलांट्रा को प्रदर्शन के लिए 5 देते हैं, लेकिन यह हैंडलाइन मॉडल के आधार पर कम से कम 6 होना चाहिए। क्या हुंडई एलांट्रा 4WD है? नहीं, सभी संस्करण फ्रंट व्हील ड्राइव हैं। हुंडई एलांट्रा कितनी तेजी से है? बहुत नहीं, सिवाय एन ट्रिम में। बेस कार सैनिक एक मितव्ययी, मेहनती, लेकिन अंततः औसत 2.0 लीटर इनलाइन माइनस 4 के साथ 147 अश्वशक्ति पर रेटेड, यह CVT के माध्यम से सामने के पहियों को शक्ति प्रदान करता है और बहुत उत्साह के बिना ऐसा करता है। प्री प्रोग्राम रेशियो के माध्यम से कदम बढ़ाने के लिए यह एक अच्छे ऑटोमेटिक की नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन यह एक स्पोर्ट ड्राइविंग मोड में भी लॉन्च से पिछड़ जाता है। टोटल के दबाए जाने पर भी यह सुस्त है। एक यात्री के साथ 70 मील प्रति घंटे से अधिक के फ्रीवे पास में कुछ समय लग सकता है। पावर ट्रेन ड्राइव करने के लिए एक मनोरंजक कार हो सकती है। हुंडई द्वारा किए गए गतिशील सुधार एलांट्रा में ध्यान देने योग्य है, जिसकी पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक कुरकुरा स्टीयरिंग के साथ अधिक संतुलित सवारी है। फ्रंट स्ट्रट और रियर मरोड़ बीम निलंबन के साथ, इसकी संरचना के बारे में कुछ भी विदेशी नहीं है और इसकी सवारी और हैंडलिंग में व्यापक रूप से कुछ भी नहीं है। हाईवे ट्रैकिंग में थोड़ी अस्पष्टता है, लेकिन पहले की तुलना में अधिकांश सड़क प्रकारों के लिए एलांट्रा की बेहतर नमी है और एलांट्रा परिवार में इसकी ब्रेक पैडल ट्यूनिंग लगातार अच्छी है। एलांट्रा हाइब्रिड प्रदर्शन। एक छोटे से 1.6 लीटर इनलाइन माइनस 4 को लें,
इसे इलेक्ट्रिक मोटर और 1.3 kWh लिथियम आयन बैटरी पैक और 6 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक से शादी करें और आपके पास 139 HP एलेंट्रा हाइब्रिड है। हमारे संपादकों ने इस मॉडल की ओर झुकाव रखा क्योंकि दो स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड कारों को चलाने के लिए बेहतर था, ज्यादातर इसकी 54 MPG संयुक्त ईंधन अर्थव्यवस्था के कारण। लाइन से हाइब्रिड की थोड़ी सी इलेक्ट्रिक बूस्ट बस आधार में इंजन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील लगती है। इसके दोहरे क्लच में CVT की तुलना में अधिक प्राकृतिक एहसास है। यह एक रियर मल्टी लिंक निलंबन के लिए भी उन्नत है जो अधिक लगाया गया लगता है। हाइब्रिड ट्रांसमिशन गियर्स के बीच न्याय कर सकता है और इसके गैस इंजन ड्राइवर ट्रेन में एक कपकपी को हिला सकता है क्योंकि यह अंदर और बाहर बंद होता है, लेकिन उन खानों को अर्थव्यवस्था में प्रमुख अंतर दिया जाता है। एलेंट्रा एन लाइन प्रदर्शन, यहाँ वे चीजें हैं जो दिलचस्प हैं। इसके ईंधन की बचत करने वाले उपकरणों की हाइब्रिड एक टर्बो चार्जर पर ग्राफ्ट और एलेंट्रा एन लाइन 201 hp और टॉर्क के साथ उभरती है जो 7 सेकंड रेंज में 0-7 मील प्रति घंटा रन के लिए पर्याप्त है। 6 स्पीड मैनुअल या $1000 की 7 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक के साथ आउटफिट में एलेंट्रा एन लाइन पावर को जल्दी अपने चेसिस में सेट कर देता है। यह ड्राइव करने के लिए एक अधिक जीवंत कार है और यह हुंडई के कुछ मैनुअल ट्रांसमिशन में से एक से लाभान्वित होती है। 6 स्पीड में हल्का क्लच और आसान टेकअप है जिसमें लॉन्ग रीच लीवर फेंकता है। 235/40R18 गुडियर ईगल FAS के साथ मैनुअल शिफ्ट एलेंट्रा एन लाइन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वर्जन के साथ आने वाले ऑल सीजन टायर्स को मात देता है। यह सिर्फ टायर नहीं है, एलेंट्रा एन लाइन के स्प्रिंग्स आगे और पीछे की ओर स्थिर होते हैं। यह स्वतंत्र रियर सस्पेंशन और एक रियर स्टेबलाइजर बार के साथ साथ बड़े फ्रंट ब्रेक रोटार भी प्राप्त करता है। आधार एलेंट्रा से गायब होने वाली सभी तपन सवारी गुणवत्ता को बर्बाद किए बिना यहां पाई जाती है। लगभग 3000 पाउंड पर हल्का वजन वाले एलेंट्रा एन लाइन उत्तरदायी ट्यूनिंग और हर रोज आराम के बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है। यह आगामी एलेंट्रा एन और इसके 275+ hp के लिए बहुत जगह छोड़ता है। नया एलेंट्रा 2 इंच से अधिक लंबा, 1 इंच चौड़ा और 2020 सेडान से लगभग 1 इंच कम है जो इसे बदलता है। पहियों के बीच 2021 एलेंट्रा 107 इंच से अधिक फैला है जो पहले की तुलना में लगभग 1 इंच लंबा है। मध्य आकार की हुंडई सेडान के अंदर हम आंतरिक स्थान के साथ अच्छे हैं। हमारे 6 फुट ड्राइवर अपनी सीटों में खुद के पीछे फिट हो सकते हैं और हेडरूम पर्याप्त है भले ही कुल मिलाकर लगभग 1 इंच की ऊंचाई काट दी गई हो। यह कमी पहले से कम बैठने की स्थिति में बदल जाती है और हम इसके साथ ठीक हैं। एलेंट्रा में होंडा की कुछ कम राइडिंग फीलिंग है जो बाथटब फील नहीं करती है। हम कम ओके के साथ पतले पैडिंग और चिंटी सीट के कपड़ों के साथ कम ठीक हैं। एक पीढ़ी पहले की कार से शोधन की डिग्री खो गई है। सीटों में बहुत अधिक समर्थन नहीं है और पावर एडजस्टेबल संस्करणों पर काट का समायोजन एक परिभाषित रूपरेखा है जो स्वयं को ज्ञात करता है। एलेंट्रा में रियर सीट राइडर्स को 38 इंच का लेग रूम मिलता है जितना कि कुछ मिडसाइज सेडान लेकिन हेड रूम 6 फीटर्स को पिन करेगा। पीछे की सीटों को मोड़ो और एलेंट्रा के 14.2 क्यूबिक फुट ट्रंक को पिछले साल के मॉडल से केवल 0.2 क्यूब खो दिया है। आंतरिक गुणवत्ता एलेंट्रा की सबसे बड़ी सुस्ती है। यह सिर्फ सीटें नहीं है, हार्ड ब्लैक प्लास्टिक के लिए उच्च पानी की रेखा कंधे की ऊंचाई तक बढ़ गई है और एलेंट्रा के अधिकांश डैशबोर्ड में ग्रे ट्रिम से एक साथ रखा गया है जो टच स्क्रीन और हड़पने के हैंडल के लिए ग्लोस ब्लैक के साथ मिश्रित है। इसमें पिछली सीट पर USB चार्जिंग पोर्ट और एयर वेंट की कमी है। सड़क शोर ज्यादातर मौन है, यद्यपि Hyundai एलेंट्रा कितनी सुरक्षित है। क्रैश टेस्ट की रेटिंग अभी भी नवीनतम एलेंट्रा के लिए बंद है, लेकिन मानक और उपलब्ध सुरक्षा सुविधाएं आशा प्रदान करती हैं। हुंडई पैदल यात्री का पता लगाने, सक्रिय लेन नियंत्रण और स्वचालित उच्च बीम के साथ स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग के साथ हर संस्करण को फिट करता है। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और रियर ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग विकल्प हैं। एलेंट्रा में बाहरी दृष्टि ठीक है, लेकिन बैठने की कम स्थिति और मोटे रियर पिलर हमें एक चारों ओर देखने वाले कैमरा सिस्टम के लिए चाहते हैं जो कि पेशकश नहीं की गई है। जब यह मानक सुविधाओं और विकल्पों, सूचना मूल्य या वारंटी कवरेज की बात आती है तो एलेंट्रा एक चाल को याद नहीं करता है। यह यहाँ एक आदर्श 10 है। कौन सी हुंडई एलेंट्रा खरीदनी चाहिए? वैल्यू माइंडेड शॉपर्स को $20,645 एलेंट्रा एसी को देखना चाहिए जो पावर फीचर्स के साथ आता है, 8.0 इंच का टच स्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, क्लॉथ अपहोल्स्ट्री और 15 इंच व्हील्स के साथ आता है। हम एलेंट्रा सेल को पसंद करते हैं जिसमें 16 इंच के पहिए, सैटेलाइट रेडियो और स्वचालित जलवायु नियंत्रण शामिल हैं और प्रीमियम और सुविधा पैकेजों के लिए खरीद में अनुदान भी शामिल है। पूरी तरह से भरी हुंडई एलेंट्रा कितनी है? $26,445 एलेंट्रा लिमिटेड को चमड़ा असबाब, 10.3 इंच का डिजिटल गेज क्लस्टर, 10.3 इंच का टच स्क्रीन, नॉन वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, अनुकूली क्रूज नियंत्रण और गर्म फ्रंट सीटें मिलती हैं। विकल्पों में 17 इंच के पहिए, बोस ऑडियो, एक सनरूफ, पावर ड्राइवर सीट और एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन आधारित कुंजी शामिल है जो कार को भौतिक कुंजी के बिना अनलॉक और शुरू कर सकती है। अधिक विशिष्ट आवश्यकताओं वाले दुकानदारों को $24,545 एलेंट्रा हाइब्रिड SEL की जांच करनी चाहिए जिसमें गैस SEL के समान उपकरण हैं और $29,095 लिमिटेड हाइब्रिड, जबकि प्रदर्शन प्रशंसक स्पोर्टी एलेंट्रा एन लाइन के लिए $25,095 के रूप में कम खर्च कर सकते हैं। Hope you like this video. Like, share, subscribe. Stay healthy, stay connected with us. Thank you.